नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया के चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप लोगों को मेरे वीडियोस वीडियो अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है आईटीआई। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आईटीआई क्या होता है, कैसे इसमें एडमिशन लिया जाता है, आईटीआई का फॉर्म क्या होता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। तो बढ़ते हैं आईटीआई। दोस्तों आईटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, हिंदी में कहते हैं तो इसको औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। इन द सेंस उद्योगों के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए जो कोर्स किया जाता है दोस्तों वो होता है आईटीआई। उसके बाद ये पूछा जाता है अधिकतर स्टूडेंट के द्वारा कि आईटीआई करने के लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं और आईटीआई के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, दोस्तों इसके लिए जो योग्यता होना चाहिए कम से कम आपके 10th पास होना चाहिए, मतलब आपका 10वीं क्लियर होना चाहिए। 10th क्लास क्लियर होने के बाद आप आईटीआई ज्वाइन कर सकते हैं, आप या आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की भी प्रोसेस दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है। रिजल्ट के बाद 10th का रिजल्ट आता है, उसके बाद आईटीआई का ऑनलाइन एडमिशन चालू हो जाता है। और उसी टाइप से लगभग जो प्राइवेट आईटीआई होती है वहाँ पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा आपका आईटीआई में एडमिशन होता है। गवर्नमेंट आईटीआई में क्या होती है, गवर्नमेंट आईटीआई में काउंसलिंग होती है और आपके 10th के मार्क के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड अलर्ट होती है। उसके बाद आईटीआई में दो प्रकार के ट्रेड होते हैं, एक होता है इंजीनियरिंग ट्रेड और एक होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। अब इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड दोनों अलग अलग प्रकार के ट्रेड होते हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों जो इंजीनियरिंग ट्रेड होता है उसमें हमारे दो सब्जेक्ट होना जरूरी है। 10th क्लास में हमारे यदि हम इंजीनियरिंग ट्रेडों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें हमें मैथ्स और साइंस हमारा ये सब्जेक्ट 10th क्लास में होना चाहिए। मतलब हम 10वीं उत्तीर्ण हैं और हमें इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन करना है तो उसके लिए हमारे पास हमारा जो 10th क्लास हमने पास किया है उसमें हमारा मैथ्स और साइंस ये दो सब्जेक्ट होना जरूरी है। और यदि हम नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड करते हैं तो उसमें हम किसी भी सब्जेक्ट में उत्तीर्ण है हम उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आईटीआई होता है। और आजकल के युग में आधुनिक जो युग है आईटीआई हर जगह हो रहा है, हर रेलवे की वैकेंसी निकलती है आपकी और डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी निकलती है, डीआरडीओ इसरो और अन्य गैर सरकारी कंपनियां जैसे हो गया पीएनजी हो गया और महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, हीरो हो गया, बजाज हो गया, ये बहुत सारे जगह पे आईटीआई का महत्व अपने आप में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड है और आईटीआई के द्वारा आप कम से कम मिनिमम मंथली यदि आपकी जॉब लगती है तो आप 8 से 10 हजार रुपये स्टार्टिंग में जॉब कर सकते हैं। दूसरा जो आईटीआई करने के फायदे है दोस्तों कि आप अपना खुद का रोजगार डाल सकते हैं, खुद का रोजगार जैसे आप खुद का एक वर्कशॉप खोल सकते हैं। यदि आप फिर से आईटीआई करते हैं तो आप एक वर्कशॉप डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन से करते तो आप बिजली फिटिंग का काम कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार की ट्रेडें होती है, कुछ एक साल की होती है, कुछ 2 साल की होती है। तो इस प्रकार से हम आईटीआई करके लगभग कम से कम हर महीने यदि हम जॉब करते हैं तो 10 हजार रुपये और यदि आप खुद का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में तो कुछ संभावना नहीं होती, आप जितना चाहते हैं उतना अर्न कर सकते हैं। बट वर्तमान समय में आईटीआई का हर क्षेत्र में डिमांड है, क्रेज है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए आईटीआई से। इस प्रकार से आप आईटीआई के कोर्स कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को आईटीआई का के ऊपर ये जो छोटा सा मेरा वीडियो है अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी आईटीआई संबंधित मुझे जानकारी मांग सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्किल इंडिया आईटीआई चैनल। जय हिंद।